आईफोन में ब्लूटूथ से ऐप कैसे भेजिए। जी दोस्तों, अगर आप कोई ऐप चलाते हो और उसको आप जो है ब्लूटूथ से भेजना चाहते हो तो कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप जो है अपने आईफोन पे कोई सा भी ऐप चला रहे हो और उसको जो है शेयर करना चाहते हो, भेजना चाहते हो ब्लूटूथ से, तो दोस्तों वो जो ऐप है वो जो है आईफोन से आईफोन पर ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो अपना आईफोन चलाते हो और उस पर ऐप को जो है ब्लूटूथ से भेजना चाहते हो तो वो जो ऐप जो है दूसरा डिवाइस आपका आईफोन ही होना चाहिए, तभी वो जो ऐप रहेगा वो ब्लूटूथ से भेजाएगा, वरना नहीं भेजाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरे पास अभी मेरे हाथों पर आईफोन XR है, जो कि छोटा वाला आईफोन है। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे में रख दूँ और आपको दूसरा जो आईफोन है वो दिखा दूँ, तो चलिए उसको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये बड़ा वाला आईफोन है जो कि आईफोन 15 प्लस है। ठीक है, ये बड़ा साइज का मैंने जो है आईफोन लिया है और इसी पे हम जो है ऐप को जो है लेके आने वाले हैं। हम छोटे वाले आईफोन से ब्लूटूथ के थ्रू ऐप को भेजेंगे और बड़े वाले आईफोन पे लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सीखते हैं कैसे हम जो अपने आईफोन में ब्लूटूथ से ऐप को भेजते हैं। तो उसके लिए आपको जो अपने आईफोन पे यहाँ पे जो है ब्लूटूथ ऐप को ओपन कर लेना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और साथ में जब आप जो है ब्लूटूथ ऐप को मतलब ब्लूटूथ ऑप्शन को ओपन करोगे और ऑन करोगे, ब्लूटूथ को ऑन करोगे, तो यहाँ पर आपको उसके साथ साथ आपको ये सेटिंग ज़रूर कर लेना है जो कि है एयर ड्रॉप करके। और एयर ड्रॉप को जब आप इस पर क्लिक करोगे और ऑन करोगे तो every 1 for 10 minutes इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन हो गया और एयर ड्रॉप ऑन हुआ है, साथ में every 1 करके लिखा हुआ हो चुका है। ठीक है, ये कर देना है। सेम जो सेटिंग है दोस्तों, आपको जो है दूसरा जो डिवाइस रहेगा, दूसरा जो आईफोन रहेगा उस पर भी करना है। इस पर भी आपको ब्लूटूथ को ऑन करना है क्योंकि ब्लूटूथ से ही ऐप यहाँ पे सेंड होगा। तो जब आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो यहाँ से एयर ड्रॉप को भी ऑन करना है, जो कि आपको every 1 for 10 minutes करके ऑन कर देना है। ये आपको कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको हम जो है साइड में रखते हैं और उसके बाद हम जो है छोटा वाला जो आईफोन है उसको हम पकड़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऐप हमको जो है सेंड करना है ब्लूटूथ से दूसरे आईफोन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों मैं ये ChatGPT का जो ऐप है उसको मैं जो है अपने आईफोन से यहाँ से शेयर ऐप करके शेयर करता हूँ। ठीक है, तो शेयर ऐप पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद हम नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का नाम नहीं दिखाई देगा, आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप का नाम दिखाई देगा। तो एयर ड्रॉप पर आपको क्लिक कर देना है। आपका एयर ड्रॉप इस तरीके से जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा। तो ये देखिए आईफोन 15 प्लस का नाम यहाँ पर बता रहा है, तो को उसी को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साथ में आईफोन 15 प्लस जो कि बड़ा वाला आईफोन उसको भी रख दिया हूँ। तो यहाँ पे छोटे वाले आईफोन पे क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं बड़े वाले आईफोन पे क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए जो ऐप रहेगा वो जो है यहाँ पे जो है लोडिंग हो जाएगा और यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे आईफोन पे ऐप स्टोर को। और यहाँ से हमको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमको जो है अपने एप्पल आईडी का पासवर्ड आने के लिए बोला जाएगा ऐप को डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे हम जो है अपने आईफोन पे एप्पल आईडी का पासवर्ड डाल देते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने आईफोन से ब्लूटूथ से ऐप को भेज सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पे आप भेजोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ऐप को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे ऐप जो है डाउनलोड के लिए लग जाएगा जब आप जो यहाँ पे सेंड करोगे तो ब्लूटूथ से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऐप है वो डाउनलोड हो चुका है और उसके बाद हमारे आईफोन के अंदर भी जो ऐप हम छोटे वाले आईफोन पे चला रहे थे उसको ब्लूटूथ से शेयर किया, तो यहाँ पे हमारे इस आईफोन पे बड़े वाले आईफोन पे भी आ चुका है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब बहुत सारे भाई लोग मेरे को बोलेंगे कि हमने शेयर किया तो ऐप स्टोर पर लेके गया, तो ऐप स्टोर से हमने ऐप को डाउनलोड किया, तो उससे अच्छा हम जो है बड़े वाले आईफोन पर डायरेक्ट हम जो है ऐप स्टोर पर जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते थे, ऐसा आप बहुत सारे लोग मेरे को बोलेंगे। तो दोस्तों आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये जो मैंने आपको वीडियो बनाया है वो जो टॉपिक है वो जो आईफोन से ब्लूटूथ से आईफोन में ब्लूटूथ से ऐप कैसे भेजे उस टॉपिक पर वीडियो बनाया है। तो दोस्तों इसे आपको बता दूँ, इससे फ़ायदा ये रहता है कि कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ ऐप ऐसे होते हैं जिनका नाम हम जो है जल्दी से पढ़ नहीं पाते हैं, फिर लंबा चौड़ा नाम होता है। ठीक है, किसी भी ऐप का, तो उसको हम जो है अगर ऐप स्टोर पर सर्च करते हैं तो हमको मिलता नहीं है, तभी हम जो है यहाँ पे आईफोन में ब्लूटूथ से ऐप को शेयर करते हैं। जिससे क्या है हमको नाम वगैरह सर्च करने में नहीं मिलता ऐप वगैरह, तो शेयर करो ऐप को तो उससे क्या है डायरेक्ट जो है ऐप स्टोर पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और ऐप को आपको ओपन करके बता देगा कि ये वाला ऐप है करके, और उसको आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसके अलावा जो दोस्तों आप जो है अगर अपने आईफोन पर लॉक वगैरह नहीं लगा के रखे हो
ऐप स्टोर से कोई भी ऐप को डाउनलोड करते टाइम जो पासवर्ड मांगता है वो हटा दिए हो, तो क्या होगा जो है दोस्तों, आप जो है शेयर करोगे ऐप को तो ऐप जो है ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। इससे आपको जो है, जैसे कि अगर आप जो है अपने आईफोन में खुद डाउनलोड करोगे, सर्च करोगे फिर क्लिक करोगे, फिर गेट करोगे, ठीक है, ये सब करोगे और उसके बाद जो है आपको एप्पल आईडी का पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाके ऐप जो डाउनलोड होता है। तो अगर आप शेयर करोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है ऐप जो है आपका जो है अपने आईफोन पे अगर आप शेयर करते हो दूसरे आईफोन पे, तो जो ऐप है वो डायरेक्ट ओपन होगा और डाउनलोड करने का जो काम है वो ऑटोमेटिक भी हो जाता है, अगर आप जो अपने आईफोन पे ऐप स्टोर पे पासवर्ड लगा के नहीं रखे रहते हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम आता है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत सारे भाई लोग हमारी वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं क्योंकि वो लोग बादाम नहीं खाते हैं, ठीक है। तो आप जो है बादाम खाते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट करो। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।